वाराणसी से है, जहां मिर्जा मुराद आदर्श ग्राम नागेपुर में आशा और लोक समिति के तत्वाधान में चल रहे किशोरी समर कैंप की लड़कियों को थाना मिर्जा मुराद भ्रमण करवाया गया। रविवार को करीब 70 से अधिक की संख्या में किशोरियों ने थाने के अंतर्गत होने वाली प्रशासनिक कार्रवाइयों के बारे में जाना। इस दौरान थाना मिर्जा मुराद में लड़कियों संग थाना चौपाल लगाई गई। थाना चौपाल में उपस्थित थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह मिर्जा मुराद ने विस्तार से लड़कियों को उनके अधिकार और विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। मिशन शक्ति अभियान की इंचार्ज विनीता सिंह ने लड़कियों और महिलाओं को आपातकाल के दौरान मदद के लिए शुरू किए गए हेल्पलाइन नंबर 100-181-1090 का इस्तेमाल करने के बारे में बताया और लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए पास को कानून की भी जानकारी दी। इसके साथ ही किशोरियों ने थानाध्यक्ष के साथ सक्रिय चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई सवाल भी पूछे। वर्षा ने जब थानाध्यक्ष से ये सवाल किया कि पुलिस हमेशा गाली देकर क्यों बात करती है, जब भी हमारे गाँव में किसी घटना के बाद आती है तो सीधे माँ बहन की गाली से अपनी बात शुरू करती है, आपके अनुसार ये कितना सही है? वो घटना जिसमें उनकी माँ बहन की कोई भूमिका ही नहीं हो, वहाँ ऐसी गालियों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसके बाद एक एक कर किशोरियों ने अपने आंखों देखे अनुभवों के आधार पर पुलिस से जुड़े कई व्यावहारिक सवाल करने शुरू कर दिए। थानाध्यक्ष ने किशोरियों की बेबाकी और तार्किक सवालों की सराहना करते हुए बेहद संवेदनशीलता से किशोरियों के सवालों का जवाब दिया। कई लड़कियों ने अपने गांव में हो रहे जुआ और शराब की दुकान बंद करने की मांग की। लोक समिति के संयोजक नंदलाल मास्टर ने संस्था की तरफ से थानाध्यक्ष को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि समर कैंप के अंतर्गत 10 मई से लड़कियों को शिक्षा कला व अन्य विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसआई बलराम पाठक ने बताया कि आज जब हम पुलिस को लेकर एक नकारात्मक छवि अपने मन में रखते हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं और इसके चलते युवाओं खासकर ग्रामीण किशोरियों के मन में पुलिस को लेकर डर बना रहता है, नतीजतन कई बार वे संगीन अपराधों के बावजूद पुलिस तक मदद के लिए नहीं पहुंच पाती। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में किशोरियां मौजूद रहे। मैम, मेरी क्वेश्चन आते हैं कि मैं शादी अपने मर्जी से करना चाहती हूं और घर वाले सहमति नहीं है, तो आप उसमें मेरी क्या मदद करेंगे? क्वेश्चन है, शांत रहो, खड़े रहिए। उम्र के प्राविधान के बारे में बताया गया है, ये भी तो बताना जरूरी है। अभी मैंने बताया ना कि बालिक की उम्र कितनी है, जब आप 21 साल के हो जाओगे। समर कैंप सैकड़ों किशोरियों ने आज मिर्जा मुराद थाने पर थाना भ्रमण कराया गया, जिसमें पुलिस द्वारा उन लोग कानून के बारे में जानकारी ली और अपने अधिकार के बारे में पूछताछ की। सभी किशोरियों को पुलिस द्वारा जानकारी मिला गया और भेदभाव है, जो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, जो बच्चियां समाज में खुल करके बोल नहीं पाती हैं, सबको मौका मिले और उसी प्रयास में हम सारे लोग लगे हुए हैं। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधे अपने सर जी से चाहूँगा कि वो महिलाओं और बच्चियों से संबंधित अधिकारों के बारे में अपने विचार को रखें। बहुत सारी बच्चियां जब हम आ रहे थे तो पूछ रही थी कि भैया हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं सर जी से कि नहीं, तो हमने कहा कि बिल्कुल वहां डरने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी पूछना है आप वहां